as somebody who came out of one relationship and then mashallah you know you married again ji ye wali jo ek support ya inspiration aap agar de sake ghar pe jo baithi khawateen who are in similar circumstances to aap unko kya kehna chahengi ki jo jo is tarah ki situation mein bahut sari hamari khawateen hain jo phansi hui hoti hain unko nahi samajh aa raha hota wo kya kare aur yahi wali baat hai pressures 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 what advice would you give to them अब मैं उन सारी माओं को ये कहना चाहूँगी आप ज़रूर सोचें अपने औलाद के लिए आप ज़रूर सोचें आसपास जो लोग हैं उनके लिए मगर अगर आप खुद खुश नहीं होंगी ना तो ना आप अच्छी माँ बन सकेंगी ना आप अच्छी बेटी बन सकेंगी ना आप अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी ना आप अच्छी बीवी बन सकेंगी सो इससे बहुत बेहतर है कि एक बीमार रिश्ते से निकल कर आप निकल के सोचें तो शायद आप बहुत शायद उस शख्स के लिए भी आप एक खास रिश्ते में बहुत अनहेल्दी हों लेकिन जब आप उससे निकल जाएंगी तो शायद आप दोनों की अच्छी सपोर्ट के साथ औलाद बहुत अच्छी पल सके उनको आप एक बेहतर इंसान बना सकें बेहतर इन्वायरमेंट दे सकें जहाँ उन्हें ये पता है कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है आप ऑफिस जा रही हैं तो आपके फादर उनको बेबी सिट करेंगे और अगर वो जा रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगी तो बजाय बच्चे को मुश्किल में डालने के और एक सहमा हुआ बचपन देने के पर्दों के पीछे छुप जाते हैं बच्चे जब माँ बाप की लड़ाई होती है या घर में इस तरह का माहौल होता है या उनको ये पता होता है कि ओ हमारे अम्मा अब्बा तो एक दूसरे के साथ उस तरह की यू नो एक नॉर्मल जो शादी होती है नॉर्मल घर होता है उस तरह की इन्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज़ आप बच्चों को नाखुश ना करें इससे बहुत बेहतर है कि आप उनको एक पेरेंट दे दें जो टोटल फोकस्ड हो और शायस्ता जी मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी थोड़ी सी बात करें कि जैसे शायस्ता जी आप कह भी चुकी हैं आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था है भी जी बट हाउ यू मेड इट आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिपेंडेंट किया तो बहुत सारी लड़कियाँ जो घरों में हैं जो ये सोचती हैं कि यार हमारे पास कोई जरिए आमदन नहीं है या हम अपनी फैमिली को किसी तरह से जो गरीब घराने में लोग हैं कि हम उनको भी सपोर्ट करें असल मैं सदके आपकी इस बात के मैं बहुत ये बात किसी भी प्रोग्राम में करना चाहती थी लेकिन मुझे लगता था इतनी बोरिंग बात कोई होस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं आपको सलूट करती हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी भी लड़की के हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी भी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को अपनी चॉइसेस के मुताबिक गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है वो अपनी लाइफ जो मेरी लाइफ मुझे दी गई है मेरे अब्बा को या मेरे भाई को नहीं दी गई या मेरे बेटों को या मेरे हस्बैंड को नहीं दी गई मेरी लाइफ है मुझे डिसीजन लेना है अगर मैंने आगे पढ़ना है अगर मैंने जो भी करना है मेरे डिसीजंस होने चाहिए मैंने ड्रामा करना है नहीं करना मैंने मेडिकल करना है मैंने एक और ब्रांच खोली ये मेरे डिसीजंस होने चाहिए मुझे इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके लिए तालीम भी ज़रूरी है एक हद तक लेकिन अवेयरनेस सेल्फ अश्योरेंस बहुत ज़रूरी है मैं बदतमीज़ी नहीं सिखा रही आपकी बेटियों को बिल्कुल भी नहीं मैं जब पीटीवी पे मॉर्निंग शो हुआ करता था और मैं चूँकि मुझे पता है पीटीवी कहाँ कहाँ जाता है कहाँ कहाँ देखा जाता है तो मेरा सबसे बड़ा उस वक्त मोटो ये होता था कि मैं लड़कियों को और लड़कियों के वालिदैन को ये बता दूं कि प्लीज़ बेटी को पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ाएं बढ़ने दें आपकी पूरी फैमिली एक उस बच्ची के पढ़ने से जितनी चेंज आएगी उस बच्ची के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जितनी चेंज आएगी वो एक मर्द की भी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल बट लड़कियों की बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है एंड यू सच एन इंस्पिरेशन इन दैट रिगार्ड बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मीडिया का करियर आपका कोई फैमिली का कनेक्शन नहीं था इट वॉजेंट लाइक योर पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बल्कि आपने ये कहा कि आपकी बड़ी कंजर्वेटिव एक फैमिली है और आपको ऐसा नहीं था कि बहुत खुली डुली परमिशन थी उसमें जाने के लिए तो आपने उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे रखा आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया और उसके बाद जो आपका एक और प्रोफेशन है उसमें फिर आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया तो इफ शायस्ता लोधी कैन डू इट यार भाई शायस्ता जी कैन डू इट सो कैन यू यार तो हाँ। जो घर पे स्पेशली यंग लड़कियां देख रही हैं हिम्मत करें और जो भी अपॉर्चुनिटी शायस्ता जी अवेलेबल हैं उसको परसू करने की कोशिश तो करें यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिक करें बिल्कुल सही और ये नहीं कि ये हो नहीं सकता बाहर लगा दें शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता वो ये सब सोसाइटी की लर्निंग है ये सब हमने चूँकि हमने आस पास देखा है हम तोड़ क्यों नहीं सकते इन चीज़ों को कौन कहता है आप एक
उम्र के बाद पढ़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, शादी हो जाए तो ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, मगर उस सारी चीज़ों के बाद भी मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, इन सारी चीज़ों के अलावा मैं खुद भी कुछ हूँ और मैं उसकी बंदी भी हूँ। तो मैंने जिस माहौल में मुझे पैदा किया गया है, इसका भी कुछ कर्ज है मुझ पर, मैंने इसको लौटाना है, मैंने खुद भी तो अपने आप को जवाब देना है। मैं आपको बात बताऊँ, मैं दोबारा मैंने आपकी एक बात, मुझे इतनी प्यारी लगी आपकी बात, आपसे जब समीना जी ने पूछा कि मौत क्या है, एंड यू लाइक आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट। मेरे घर वाले भी बड़े अजीब कभी हो जाते हैं, एंड यू लाइक, क्या बोल रही है? आपने कहा कि मुझे इस बात का नहीं है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पेरेंट्स का, या किसी का क्या होगा, अल्लाह है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद गॉड, अल्लाह, अल्लाह अगर आपको बुला रहे हैं तो व्हाई आर यू नॉट रेडी फॉर इट, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल। और डरने की इसमें क्या बात है, वो उनका हमसे ज्यादा है तो पीछे जो छोड़ के जाते हैं उसकी क्या परवाह होनी। बड़ी मुझे मैं उससे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ की, मैं लगा मुझे आपको बताना चाहिए, पर देखें कितने यार शायस्ता जी जबरदस्त हैं यार, कितने उन्होंने आज हमें बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच शायस्ता जी, आप मेरे शो में आई, आपने आपका शो मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत मजा आया, पूरा एंजॉय किया जी, एज अपोज टू कुछ वो जो शुरू की एनैक्टमेंट थी ना, पेशेंस दिखा रहे थे, वो भी क्या, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज यहाँ पे ज्वाइन करें जी। और जाते जाते वैसे तो हमने बहुत सारे मैसेजेस दिए आज हमारी ऑडियंस को, और बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें हैं लोगों ने सीखी होंगी, आप कोई लाइट हार्टेड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, व्यूवर्स को, कोई वैसे विश करना चाहें तो ऑल द कैमराज आर योर्स। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस मैं हमेशा प्रोग्राम्स के आखिर में ये कह रही होती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसको थोड़ा सा, ऑल दो ये मेरे लिए भी बुरा है क्योंकि हम खुद अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, बट ज़रूरत के वक्त ज़रूर करें, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ हों तो उस इस्तेमाल को कम कर दें। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फिज़िकली इस वक्त आपके साथ हैं, इस मोमेंट को इन्जॉय करें, वरना आप होते कहीं हैं और आप होते कहीं हैं। Thank you so much, Shaista ji. Thank you for joining. You. It was a pleasure hosting you, and I hope ke inshallah zindagi mein aap jo bhi karengi, aap isi tarah hum sab ko inspire karti chalengi. Aap bahut jald inshallah dekhenge ek nayi cheez jo ke ab maine badi is niyat se kaam kiya hai ki ab na apne liye karna hai na aur is tarah apne kisi rishton ke liye karna hai, ab unke liye karna hai jo bahut bada rishta hai insaan ka insaan se. Inshallah aap dekhenge bahut jald. We congratulate you and we wish you all the best. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा इतना प्यार भेजते हैं हमारे गेस्ट की, इतनी तारीफ करते हैं, उनको इतना प्यार भेजते हैं। The Talk Talk Show का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, बहुत जल्द मिलेंगे आपके और फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ, तब तक खुदा फेज। थैंक यू, 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 थैंक यू,